भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मिट्टी के मकान को पक्के का बनाने के लिए गरीब परिवार को 1,48,000 का सहयोग राशि पीएम आवास योजना के माध्यम से दे रहा है, लेकिन इस पर उनके ही अधिकारी कर्मचारी बड़े गड़बड़ झाला कर रहे हैं। बलायगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के टिहलीपाली गांव में सत्र 2019-20 में केंद्र सरकार ने 40 गरीब परिवारों को पक्के की मकान बनने के लिए 1,48,000 रुपए राशि सभी के खाते में डाले थे, जिसमें 15,000 मनरेगा के तहत मेहनत राशि देना था। लेकिन रोजगार सहायक महावीर भारद्वाज ने गरीबों के खाते में आने वाले राशि 1,23,000 राशि डाले। वहीं मेहनत राशि 15,000 रुपए को फर्जी मास्टर रोल बनाकर अपने माता पिता व बहन के खाते में मेहनत राशि डाल दिया गया, जबकि मकान बनने में जो मेहनत किया है उसके खाते में 1 रुपए तक नहीं डाला गया। वहीं गरीबों का आरोप है कि हम अपने मकान बनने में मेहनत किए हैं, लेकिन हम लोगों के खाते में मेहनत की राशि नहीं भेजा गया। जब हम पता किए तो रोजगार सहायक महावीर भारद्वाज ने अपने पिता छेदूराम, माता पुनीमती, बहन धानबाई के खाते में फर्जी मास्टर रोल बनाकर सभी हितग्राहियों की मेहनत की राशि फर्जी तरीके से आहरण कर लिया है। वहीं 2 माह पहले बिलाईगढ़ सीओ कुलेश्वर गायकवाड़ को शिकायत किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। वहीं गांव वालों ने बताया कि अगर 7 दिवस के अंदर रोजगार सहायक पर कार्रवाई नहीं करते तो सभी उप सरपंच व पंच जनपद पंचायत बिलाईगढ़ पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा देंगे और उग्र आंदोलन करने की बात कही। वहीं सीओ कुलेश्वर गायकवाड़ ने बताया कि जब गांव वालों ने शिकायत किया तो जांच के लिए टिहलीपाली पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने आपस में बनने की बात कही इसलिए वापस आ गए, लेकिन फिर शिकायत कर रहा है जांच किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सीओ साहब ने जांच के लिए गए थे तो जांच क्यों नहीं किए, गांव वालों के कहने पर वापस आ गए। ऐसा लगता है कि सीओ साहब को शासन के राशि का कोई मतलब नहीं है, इसलिए गांव वाले के कहने पर वापस आ गए। हमारे ग्राम पंचायत टिहलीपाली में रोजगार सहायक के द्वारा पीएम आवास हितग्राहियों का फर्जी मास्टर रोल बनाकर अपने माता एवं बहन एवं पिता के नाम पर फर्जी मास्टर रोल बनाकर पैसा आहरण कर लिया गया है, जिसके संबंध में हम लोग सीओ साहब को 1.5 महीना पहले इसकी सूचना आवेदन के द्वारा दे चुके हैं, प्रस्ताव भी दे चुके हैं उसको हटाने के लिए और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक इसका कोई सही परिणाम नहीं निकला है। कौन है रोजगार सहायक आप? आज हम लोग अध्यक्ष महोदय जनपद पंचायत बिलाईगढ़ को इसकी सूचना दे दिए हैं। क्या आप जो पीएम आवास ले रहे थे, आप जो आपका मकान ले रहा है उसमें आप खुद मजदूरी किए क्या? जी हाँ, हम अपने मकान में सब मजदूरी किए हैं। लेकिन आपके खाते में पैसा ना आकर सरपंच रोजगार सहायक की उसके माता बहन और पिता के नाम पर, और मेरे आवास में उसका बहन धान भाई है, किसी और के आवास में उसके पिता का नाम है, किसी और के आवास में उसके माता का नाम है, इस प्रकार से लगभग सारे पीएम आवास में वो पैसा निकाल कर आप लोगों को दिया कि गमन कर रही है? नहीं, वो स्वयं गमन कर रही है, दिया नहीं। रोजगार सहायक का क्या नाम है? महावीर भारद्वाज। हमन ग्राम रोजगार सहायक महावीर भारद्वाज के जे हर पीएम आवास में मजदूरी पैसा मिलते हैं, वो पैसा हितग्राही ना मिलिस वही नाम से हमन एसओ ऑफिस में शिकायत करे। आपके पीएम आवास आ रही से आप खुद काम करे काम? हाँ, मोर बड़े भाई जनी राम के नाम में पीएम आवास आ रही से ओमा मैं स्वयं काम करे हैं, मोर घर वाली काम करे हैं, और जो रोजगार सहायक है महावीर भारद्वाज वो आके मोर घर में मोर जॉब कार्ड नंबर लेगीस, मोर खाता नंबर लेगीस, लेकिन पैसा मोर खाता में नहीं है अभी तक। क्या कर करें इस पैसा है? पैसा हर पता करें ऑनलाइन के द्वारा तो वकर बहन धान भाई के नाम में गया है और वकर बाबू छेदूराम के नाम में गया है। आप मतलब पैसा निकाल के दे पैसा नहीं दे अभी तक? हाँ, मतलब कोई पैसा निकाल के नहीं दे, पैसा के लिए जाता तो बिलाईगढ़ जावा, बैंक जावा, अदकित पुता बनाए रहते हम और काय भी उखाड़िया बोलते वो। हम टिहलीपाली में रोजगार सहायक है भारद्वाज ने, उसके संबंध में शिकायत आई है कि मनमानी करता है। मैं मौके पर जांच करने भी गया था, गांव के लोग आपस में सुलह किए थे, ठीक है इस मसले को हम लोग गांव में निपटा लेंगे करके। उसके पश्चात 8 दिन बाद पुनः बार बार शिकायत आ रही है। आज गांव के लोग आए थे मेरे पास तो कोई पुलिंदा दिए हैं वो लोग, इसमें उसके घर परिवार के लोगों का बहुत सारे कार्यों में मास्टर रोल बना है, वही वही व्यक्ति काम किए हैं, ऐसी शिकायत है।
उसको मैं जांच करवा रहा हूँ। जांच भी यदि प्रमाणित होता है उनकी शिकायत तो उसको कार्रवाई करेंगे। सर ग्रामीणों को ये आरोप है कि जो पी एम आए हैं उसमें मरेगा का था जो कार्य किया गया सभी का हाजिरी उसी के घर वाले माता और पिता और बहन पर चखा दिया है रोजगार सहायक। नहीं ऐसा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तमाम कार्यों में उसकी कैसे हाजिरी चल सकती है ये तो तुरंत दिखेगा है ना। यदि ऐसा है तो देखते हैं, उसको जांच करवा रहा हूँ, है ना। क्या ऐसा होना संभव है सर कि सही? ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति पर्टिकुलर व्यक्ति जो विभिन्न कार्यों में सेम डे काम करे ऐसा हो नहीं सकता। वो तो तुरंत चेकआउट हो जाएगा है ना, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है उसका मनरेगा में। आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया गया सर अभी तक इस पर? नहीं वो तो आज ही मुझको आवेदन दिए हैं कि बहुत सारे कार्यों में उनकी घर परिवार की उनकी माँ बहन ये लोग काम किए हैं ऐसा उनका कहना है। अभी मैंने देखा नहीं, उसमें जांच में उसको लिया हूँ और जांच में यदि वो सही पाया जाता है तो कैसे संभव हुआ वो भी देखना पड़ेगा हमको कि वही व्यक्ति विभिन्न कार्यों में एक दिन में तो संलग्न हो नहीं सकते, तो उसको देखते हैं, जांच करवा के फिर उसको कार्रवाई करेंगे। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, ACN 24।